औरंगाबाद में राज ठाकरे का मेगा शो, लाउडस्पीकर मामले में उद्धव सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा लाउडस्पीकर हटाने होंगे। राज ठाकरे ने कहा 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारा तो डबल लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के बाहर पढ़ूंगा हनुमान चालीसा। राज ठाकरे ने की योगी मॉडल की तारीफ, लाउडस्पीकर मुद्दे पर कहा यूपी से उतर सकते हैं लाउडस्पीकर तो महाराष्ट्र से क्यों नहीं हटेंगे लाउडस्पीकर। रैली में राज ठाकरे ने विरोधियों पर जमकर बोला हल्ला, कहा 2 रैली से विरोधी बौखला गए, महाराष्ट्र के हर जिले में रैली करूंगा। हंगामा करने वालों को राज ठाकरे की चेतावनी, का हंगामा किया तो टांग तोड़कर घर भिजवा दूंगा, याद रखना होगा हम मराठी हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने बाला साहेब ठाकरे को दिया धोखा, हिंदुत्व की आड़ में चल रहे खेल को नजरअंदाज नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को बताया फ्री एंटरटेनमेंट, कहा यदि कोई मुफ्त में मनोरंजन कर रहा है तो उससे इसका आनंद क्यों नहीं लेना चाहिए। औरंगाबाद पुलिस के सूत्रों के अनुसार पुलिस आज राज ठाकरे के भाषण की टेप मंगाकर उसे पूरा सुनेगी, लीगल टीम से ली जाएगी सलाह। सांसद नवनीत राणा और उनके पति की जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला, मुंबई सेशन कोर्ट जमानत पर सुनाएगी फैसला। राज ठाकरे पर एनसीपी का पलटवार, एनसीपी प्रवक्ता महेश तापसी ने कहा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं राज ठाकरे। यूपी में सरकारी आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से अब तक 54,000 लाउडस्पीकर हटाए गए, 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज धीमी की गई। बलिया की एक मस्जिद में दोबारा लगाए गए लाउडस्पीकर, सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने हटाए लाउडस्पीकर। रामपुर में इस बार सड़क पर अदा नहीं होगी ईद की नमाज, शहर काजी ने मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की अपील की, देशभर में 3 मई को मनाई जाएगी ईद। पटियाला हिंसा के मुख्य आरोपी बरजिंदर परवाना को कोर्ट में किया गया पेश, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह को पुलिस ने मोहाली से धर दबोचा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ओर जा रहा था बरजिंदर, अब तक कुल 9 दंगाई गिरफ्तार। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे के लिए हुए रवाना, आज बर्लिन में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के साथ होगी मुलाकात। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा के मारखान में सरदार पटेल की प्रतिमा का किया उद्घाटन, कहा हम पूरे विश्व की शांति की कामना करते हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में फंसा स्पाइस जेट का विमान, 44 यात्री घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, जैकब पलियल ने सुप्रीम कोर्ट में टीकों की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। एसपी नेता आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, आजम खान की तरफ से कोर्ट में पैरवी करेंगे कपिल सिब्बल। दिल्ली में शाहीनबाग ड्रग केस में एनसीबी ने की है 6वीं गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल था आरोपी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को उद्यमी बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग की 375 इकाइयां होंगी स्थापित। बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम योगी गंभीर, ईट अक्षय तृतीया परशुराम जयंती पर बिजली आपूर्ति के दिए निर्देश। यूपी में बीजेपी संगठन में जल्द होंगे बदलाव, बीजेपी नेताओं के संगठन में पदाधिकारी बनने के दौर जारी, 2024 से पहले संगठन में समायोजन के लिए तैयार हो गई है जमीन। यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस, हाईकमान बना रही है नई रणनीति, इस दिशा में गंभीरता से हो रहा है मंथन। देवबंद के दारुल उलूम से गिरफ्तार छात्र को लेकर यूपी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश का बयान, दारुल उलूम में पढ़ने वाले छात्र पहले से ही देश विरोधी गतिविधियों में रहे हैं शामिल। यूपी में 16 आईएएस अफसरों का तबादला, संजीव मित्तल बने राजस्व परिषद के चेयरमैन तो मनोज कुमार सिंह को यूपी का नया एपीसी बनाया गया। उप विधानसभा स्पीकर सतीश महाना कानपुर में हुए हादसे के शिकार, मंच टूटने से बाल बाल बचे सतीश महाना। सुरानपुर में खनन कारोबारी और पूर्व एमएलसी हाजी कबाल की 21 करोड़ की बेनामी संपत्ति सीज, अपने नौकर नसीम के नाम पर ले रखी थी बेनामी संपत्ति। प्रतापगढ़ में 5-5 लाख के इनामी एसपी नेता सभापति यादव और सुभाष यादव की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के शामली में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल, छत पर चढ़कर पड़ोसियों पर पत्थर फेंकते दिखे ग्रामीण। कानपुर में 19 अप्रैल को लापता हुई युवती का नहीं लगा कोई सुराग, युवती की मां ने डीएम के पैर छूकर लगाई मदद की गुहार। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग पर सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक, अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी, पीएससी और व्यापम परीक्षा फीस भी होगी माफ।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बघेल सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी, 17 से बढ़कर 22% हुआ भत्ता, 1 मई से मिलेगा फायदा। दरभंगा में नवाज और इफ्तार पार्टी का वायरल वीडियो पर सियासी बवाल, LNMU का बताया जा रहा है मामला, GDU के आयोजन पर बीजेपी ने उठाए सवाल, रजिस्ट्रार ने वीडियो से झाड़ा पल्ला, बिजली की किल्लत से किसान हुए परेशान, फसलों की सिंचाई में हो रही है दिक्कत, पैदावार पर असर पड़ने की आशंका। जमशेदपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने लगाया सांसद के लापता होने का पोस्टर, सांसद विद्युत वरुण महतो को खोजने पर 501 रुपये इनाम का ऐलान। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की सोनिया गांधी के साथ हुई मुलाकात, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। दरभंगा पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने निर्माणाधीन पुल के स्ट्रक्चर गिरने पर दिया बयान, कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, परियोजना को बताया सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा। भागलपुर में पुल टूटने की खबर को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बयान, कहा पुल नहीं टूटा है, लोग बेकार की अफवाह नावराए, मंत्री पूरे मामले की जांच की बात कही। तेज प्रताप यादव ने निकाली जनशक्ति यात्रा, पटना से भिष्टा तक यात्रा पर निकले तेज प्रताप। लघु सिंचाई विभाग में के मंत्री संतोष सुमन मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 5 साल पूरा करेगी, एनडीए सरकार पर कोई खतरा नहीं। गया में सेंट्रल जेल की दीवार से फेंका गया न्यू ब्रांडेड मोबाइल, जेल प्रशासन की सतर्कता से बरामद हुए 4 मोबाइल फोन और 1 चार्जर। एमपी के सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर ईओडब्ल्यू का छापा, 7 एकड़ के फार्म हाउस समेत अब तक करोड़ की संपत्ति बरामद। सिवान के महाराजगंज में कल अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की गई, अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में हड़कंप। देवघर में श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना में बड़ा घोटाला, श्रमिक कार्ड के जरिए मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि की आधी रकम भी श्रमिक मित्र को करनी पड़ती है अदा। भागलपुर के वीडियो को मिली है जान से मारने की धमकी, वीडियो ने SSP से लगाई सुरक्षा की गुहार। पूर्णिया में इश्कबाजी करना युवक को पड़ा महंगा, मनचले को शख्स ने पूरी तरह से पीट पीट कर मारा चाकू, आरोपी की पत्नी पर रखता था गलत नजर। कोठी में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात, ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को धर दबाचा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सहरसा के सुहत पंचायत के महिला मुखिया पर अपराधियों ने चलाई गोली, बाल बाल बचे मुखिया। बेगूसराय में मामूली विवाद में भाभी ने देवर को लाठी डंडे से पीटा, तेगड़ा थाना क्षेत्र की घटना। अरवल के सवजपुरा गांव में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया मिस्त्री, अस्पताल जाते तोड़ा दम। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र में कच्ची दीवार गिरने से 4 लोग घायल, घायलों में 1 महिला और 3 बच्चे शामिल। बेगूसराय में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान उप मुखिया को करीब 19 लाख रुपए के साथ किया गिरफ्तार। कोरोना की चौथी लहर की आशंका को लेकर झारखंड अलर्ट, एयरपोर्ट और बस स्टैंड में बढ़ाई गई टेस्टिंग, लोगों से वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने की जा रही अपील। झारखंड में किसी कृषि टैक्स बिल पारित किए जाने के विरोध में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का आंदोलन, गिरिडीह में सीएम और राज्यपाल के नाम चलाया जा रहा है पोस्ट कार्ड अभियान। खूंटी में भट्टी रोड और मुख्य पथ पे सप्लाई पानी नहीं आने से लोग परेशान, कुछ मोहल्लों में अव्यवस्था के कारण सड़कों पर बर्बाद हो रहा है पानी। दुमका में बासुकीनाथ मंदिर के अंदर करंट आने से श्रद्धालुओं में उतरी, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूर संवाद कार्यक्रम का आयोजन, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार हुए शामिल। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने श्रमिक दिवस के अवसर पर तटबंधों पर कार्यरत श्रमिकों को गमछा देकर सम्मानित किया। अरवल में मजदूर दिवस के मौके पर भाबका माले विधायक महानंद सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। धनबाद के श्रमिक चौक पर कोयला मजदूरों और यूनियन नेताओं ने श्रमिक चौक पर मजदूर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देवघर में पर्स की छिनतई करते हुए 2 चोरों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। तिलकामांझी चौक, बीर कुमार सिंह चौक, मनाली चौक पर जल्द होगा सुंदरीकरण, भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्यों में आएगी तेजी। गोपालगंज में ईद को लेकर मार्केट में बड़ी रौनक, खरीदारी में जुटे रोजेदार। हज यात्रा 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर राजधानी रांची में निकाली गई ऑनलाइन लॉटरी, राज्य में 1,615 लोगों ने किया था आवेदन। ईद को लेकर राजधानी रांची समेत देशभर में लोगों में उत्साह, लंबे समय बाद मस्जिदों और ईदगाहों पर नमाज पढ़ने को मिली अनुमति। भागलपुर में ईद पर्व को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, विभिन्न चौक चौराहा होते हुए तिलकामांझी में समाप्त हुआ।
रांची सहित राज्यभर में ईद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील जगहों पर सफेद लिबास में पुलिसकर्मी तैनात। जहानाबाद में ईद में अफवाह फैलाने और कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई। ईद को लेकर रांची में उत्साह का माहौल, लंबे इंतजार के बाद मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ने की अनुमति मिली। रांची नगर निगम की ओर से 40 से अधिक सिटी बसों का परिचालन होगा, गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। भागलपुर में द बिहार को ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की ओर से कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में पेन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, सोशल वर्कर, पत्रकार समेत समाज के कई लोगों ने शिरकत की। पूर्णिया के पुलिस केंद्र में पुलिस एसोसिएशन का चुनाव हुआ। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के प्रदेश पदाधिकारियों के कोर ग्रुप में रांची में बैठक हुई। मुंगेर में स्वायत्त महिला सेवा संघ की ओर से श्रमिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भागलपुर में विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर का आदेश का अवहेलना हुआ। लखीसराय के सदर अस्पताल में संचालित पोषण केंद्र में कुपोषित बच्चों को पोषित किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 68वां दिन, रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फिर लॉन्च की मिसाइल। डोनेट्स्क में रूस समर्थित अलगाववादियों का बड़ा हमला, जीपीआर के लड़ाकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। रूसी सेना का ओडेसा में हवाई हमला करने का दावा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने किया दौरा, यूक्रेन को दिया समर्थन, कहा जब तक युद्ध नहीं जीता जाता हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। मरियोपोल अजोवत्सल के युद्ध प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया पहले बैच में सुरक्षित निकाले गए 100 लोग। रूस की युद्ध का आज 68वां दिन, रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फिर लॉन्च की मिसाइल। मरियोपोल में रूसी सेना के टैंक का बड़ा हमला, रिहायशी इमारत पर टैंक ने किया हमला। रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों का बड़ा दावा, चेचन लड़ाकों के चीफ रमजान कादिरोव ने कहा यूक्रेन के पोप सनाया शहर को जल्द यूक्रेनी कब्जे से करेंगे आजाद। यूक्रेन के अजोवत्सल स्टील प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद अजोवत्सल पहुंची रूसी सेना के टुकड़ी, स्टील प्लांट के अंदर का वीडियो आया सामने। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से सभी राजनीतिक दलों से अपील, कहा सारे मतभेद भूलकर एक साथ मिलकर काम करें। अमेरिका के कैंसस में तूफान का कहर, टोर्नेडो से राज्य के कई शहरों में भारी तबाही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वेंजुएला में बाढ़ और बारिश से मढ़ाई मुसीबत, हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित, कई इलाकों में पत्ती कुल। कनाडा की राजधानी ओटावा में सड़क पर उतरकर बाइकर्स ने दिया धरना, ओटावा पुलिस की चेतावनी, कहा धरना बर्दाश्त नहीं। आईपीएल 2022 के 66वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराया, चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का शानदार फॉर्म जारी, अब तक खेले 10 में से 7 मैच जीते, रविवार को हुए दूसरे मुकाबले में दिल्ली की टीम को दिमाग। गजब की फॉर्म में क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, इंग्लैंड में बैक टू बैक लगाया है तीसरा शतक, काउंटी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने भारत के लिए जीता ब्रॉन्ज मेडल, सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ी से हारी। विराट ने रोमांटिक पोस्ट शेयर कर अनुष्का को किया बर्थडे विश, लिखा मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या हूं, विराट ने कई तस्वीरें भी शेयर की। अपकमिंग फिल्म अपने 2 की शूटिंग में जुटे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, फिल्म के शूटिंग के दौरान मसल खींचने से हुए बीमार। फिल्म को प्रमोट करने का आमिर खान, करीना कपूर ने निकाला नया तरीका, लोगों को दिया फेदर चैलेंज, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।